हेलो लर्नर्स होप यू ऑल आर कम्प्लीटली हेल्दी एंड फाइन तो आज का सेशन हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का फोर्थ क्लास है तो हम लोग बहुत कुछ इसमें कवर कर चुके हैं और आपको वो वीडियोस भी हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी तो वी हैव कवर्ड मीनिंग ऑफ डिमांड डिमांड क्या होती है उसके फीचर्स दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्टिंग फैक्टर्स डिमांड फंक्शन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड फंक्शन बोथ डिमांड कर टाइप्स ऑफ डिमांड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड ये सारा हम कवर कर चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड में भी इसकी अजम्पन और एक्सेप्शंस हमने कल वाली वीडियोज में कवर करी हैं लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली प्रीवियस इसका जो लास्ट वीडियो था उसमें कवर करी है तो हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन डिमांड करव टूडेज टॉपिक इज चेंज इन डिमांड करव कि डिमांड कर्व में चेंज कब और कैसे होता है और क्यों होता है तो हमने डिमांड कर्व कुछ ऐसे था ऐसे ये क्यों था यहाँ पर प्राइस था और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड था प्राइस ये है तो इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है और वो क्या बोलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड मतलब उसकी जो सेल है वो कम हो जाएगी ठीक है अब ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये जो हमारा डिमांड कर्व है इसमें दो तरह से चेंज होता है अब भी हमने लॉ ऑफ डिमांड की बात करी तो हमने ये देखा कि अगर हम प्राइस चेंज कर रहे हैं है ना अगर हम प्राइस चेंज कर रहे हैं तो डिमांड जो है वो या तो इस तरफ बढ़ रही है या इस तरफ जा रही है है ना मतलब क्वांटिटी या तो बढ़ रही है या तो घट रही है तो द थिंग इज जब उस ही सेम डिमांड कर्व में सेम डिमांड कर्व में इन डिमांड इनक्रीज या डिक्रीज हो रही है दैट इज एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब मूवमेंट मोमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व जब उसी डिमांड कर्व में चेंज हो रहा है डिमांड कर्व वही है चेंज उसी उसी में हो रहा है भाई क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है दैट इज द रीज़न दैट इज बिकॉज ऑफ द रीज़न द प्राइस प्राइस चेंज प्राइस चेंज की वजह से जब सेम डिमांड कर्व में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज होती है इनक्रीज डिक्रीज ना ही बोलूँ तो बेटर है उसको हम डिमांड एक्सटेंशन या डिमांड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इस ग्राफ से क्लियर होगा ये हमारा प्राइस है ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड घट गई प्राइस घटा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई ठीक है तो जब डिमांड बढ़ी दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड घटी दैट इज़ एक्सटेंशन क्लियर द रीज़न इज ओनली प्राइस चेंज सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से जब डिमांड या क्वान्टिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब अगर डिमांड ये देखो यहाँ पर डिमांड कम हो रही है यहाँ डिमांड कम हो रही है तो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना इसको हम हिंदी में संकुचन कहते हैं संकुचन और जब डिमांड यहाँ बढ़ रही है एक्सटेंशन इसको हम विस्तार कहते हैं इंक्रीज मतलब बढ़ जाना डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड का लेकिन यहाँ पर रीज़न सिर्फ एक ही है दैट इज़ प्राइस ठीक है अब प्राइस के अलावा और भी तो रीज़न होते हैं क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने के कि भाई इनकम चेंज हो गई तो ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं ठीक है इनकम कम हो गई तो लोग तो लो कम शॉपिंग कर रहे हैं इसके अलावा अभी आप देख रहे हो कि मार्केट कोरोना के टाइम पर मार्केट में बहुत मंदी है तो लोगों की शॉपिंग गुड्स जो हैं लाइक ड्रेसेस हो गया है ना इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग कम खरीद रहे हैं तो द थिंग इज़ कि जब किन्हीं और रीज़न की वजह से जब किसी और रीज़न की वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट डिमांड कर्व में चेंज होता है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व द रीज़न इज़ अदर देन द प्राइज तो उसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज कहते हैं इंक्रीज़ या डिक्रीज कहते हैं ये इस तरह से कुछ देखो ये डिमांड है ठीक है प्राइस सेम है प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा किन्हीं और रीज़न की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है देखो वापस एग्जांपल लेते हैं ये हमारा प्राइस एकदम फिक्स है प्राइस फिक्स है प्राइस चेंज नहीं हो रहा और इतनी क्वांटिटी हमारी सेल हो रही थी इतनी क्वांटिटी सेल हो रही थी प्राइस चेंज ना होने की वजह प्राइस चेंज ना होते हुए भी जो है वो ज़्यादा सेल होने लग गई Q1 पे आ गए हम और प्राइस इस अभी भी स्टेबल है या फिर डिक्रीज़ हो गई कम हो गई क्वांटिटी डिमांडेड तो डिमांड कर्व ही या तो यहाँ चला जाएगा या यहाँ चला जाएगा दैट इज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज ऑफ डिमांड कर्व होप क्लियर हुआ होगा कि भाई अगर प्राइस की वजह से कहीं पर चेंज आ रहा है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम हो जाना एक्सटेंशन मतलब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाना द रीज़न इज़ ओनली प्राइस और जब प्राइस के अलावा दूसरे रीज़न से डिमांड में चेंज आता है प्राइस सेम रहता है तो डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर सेम डिमांड कर्व में हो रहा था यहाँ पर डिमांड कर्व ही चेंज हो रहा है दैट इज इंक्रीज़ और डिक्रीज इन डिमांड और यहाँ पर था एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड क्लियर ठीक है आगे बढ़ते हैं इनमें डिफ्रेंसीशन अच्छा रीज़न क्या क्या हो सकते हैं कंज्यूमर की इनकम हो सकती है प्रेफ्रेंस हो सकते हैं टेस्ट हो सकता है एंड अवेलेबलिटी हो सकती है कि अब गुड्स अवेलेबल ही नहीं है तो लोग कहाँ से खरीदेंगे नहीं ठीक है तो कुछ भी रीज़न हो सकता है लेकिन प्राइस स्टे प्राइस जो है वो चेंज नहीं है यहाँ पर प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं है किन्हीं और रीज़न से क्वांटिटी चेंज हो रही है तो डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज़ नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो डिक्रीज़ यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा बिक रही है तो नीचे की तरफ एक्सटेंशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ऊपर की तरफ क्वान्टशन हो जाएगा मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इनका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं दो टर्म्स थे इंक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इंक्रीज इन डिमांड में अभी देखा हमने कि डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है और एक्सपेंशन में उसी डिमांड कर्व में चेंज होता है ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है ये अभी देखा था ना इंक्रीज हो रहा था तो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा था राइट वर्ड ठीक है और एक्सटेंशन में दिस इज़ द कंज्यूमर मूव्स टू द राइट और डाउनवर्ड्स टू द सेम डिमांड कर्व सेम डिमांड कर्व में राइट right की तरफ हो जाता है इसका रीज़न सिर्फ प्राइस है इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कंज्यूमर की इनकम हो सकती है प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ गुड्स हो सकता है प्राइस स्टेब सब्सटीट्यूट गुड्स प्राइस और सब्सिट्यूट गुड्स है ठीक है फॉल इन प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो रिलेटेड गुड्स की हम बात कर रहे थे शुरू से रिलेटेड गुड्स की हम बात कर रहे थे उनके प्राइस में चेंज होने की वजह से या कंज्यूमर के फेवर में चेंज होने की भाई कंज्यूमर अब उस तरफ ज़्यादा चला जा रहा है ठीक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अभी ऊपर देखा हमने इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर प्राइस सेम है लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है यहाँ प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ओके ठीक है दूसरे टर्म क्या आते हैं हमारे पास डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड तो डिक्रीज में क्या था कि शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर और इसमें अलोंग दैट ओनली डिमांड कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है ये लेफ्ट और अपवर्ड सेम डिमांड कर में शिफ्ट होता है. ये अभी जो इंक्रीज के रीजन थे वही डिक्रीज के रीज़न है इनकम सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अनफेवरेबल चेंज ऑफ कंज्यूमर टेस्ट ठीक है और ये इसका रीज़न सिर्फ प्राइस है सिर्फ प्राइस ओके इट इज डिफाइंड एज फेल फॉल इन डिमांड एट द सेम प्राइज लेवल ऑफ द कमोडिटी सेम प्राइज लेवल ये क्वान्टिटी है क्वान्टिटी डिमांडेड कम हो गई लेकिन प्राइज उतना ही है और यहाँ पर प्राइस इतना था तो इतनी मांगी जा रही थी क्वान्टिटी डिमांडेड इतनी थी प्राइज इंक्रीज़ हुआ तब क्वान्टिटी डिमांडेड चेंज हुई है दैट इज़ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड ओके चलिए अच्छा अब कुछ टर्म्स आती हैं हमारे पास वो टर्म्स क्लियर होना ज़रूरी है इस चैप्टर से रिलेटेड क्योंकि इसमें कुछ कभी भी पूछ लिए जाते हैं या ये आपको बोल सकते हैं कि पता होना चाहिए दीज आर बेसिकली सम इफेक्ट्स कि कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे स्पेकुलेटिव इफेक्ट इग्नोरेंस इफेक्ट और एक्जेट्रा तो अभी देखते हैं इसको सो आर फर्स्ट इज़ इग्नोरेंस इफ़ेक्ट इग्नोरेंस इफेक्ट समटाइम्स कंज्यूमर ऑल अच्छा सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि कुछ कभी कभी लोग जो हैं वो हाई, हाई रे हाई प्राइज़ वाली चीज़ ले लेते हैं हाई प्राइस वाली वो चीज़ क्यों लेते हैं इस मतलब क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई अगर पैसे ज़्यादा हैं तो क्वालिटी भी अच्छी होगी उसको हम बोलते हैं इग्नोरेंस इफ़ेक्ट Sometimes consumers are fascinated with the high price good from the idea of getting a superior quality. However, this may not be always true. Superior packing than high price. Deceptive the people this is this can be called an ignorance effect मतलब कुछ लोग जो हैं वो high price dekhkar paise पैसे price dekhkar goods lete hain लेते हैं क्यों लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर भाई hai अच्छा है hai ज़्यादा है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी तो क्वालिटी भी अच्छी होगी लेकिन हमेशा ये सच नहीं होता इसको हम इग्नोरेंस इफेक्ट कहते हैं इग्नोरेंस इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर समझदारी को इग्नोर किया जाता है एक चेक करके ने लिया जाता सिर्फ प्राइस के बेस पर या अच्छी पैकिंग को देखकर जो लिया है वो चीज़ें ली जाती हैं ठीक है स्पेकुलेटिव इफेक्ट वैन द प्राइज ऑफ कमोडिटी गोज़ अप जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है पीपल में बाय लार्जर क्वांटिटी देन बिफोर लोग जो हैं पहले से ज़्यादा क्वांटिटी लेना शुरू कर देते हैं ये हमने इसके एक्सेप्शन में भी पढ़ा था कि जब फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन होती है एक्सपेक्टेशन होती है ऑफ प्राइस राइज इन नियर फ्यूचर आर आई एस राइज इन नियर फ्यूचर कि भाई हमें लगता है कि अभी प्राइस बढ़े हैं तो हो सकता है कि अभी आगे जाकर और प्राइस बढ़े तो हम अभी ही चीजें खरीद लेते हैं ठीक है दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट स्पेक्यूलेटिव का मतलब अगर हिंदी में बात करूँ तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सट्टा कहते हैं सट्टा स्पेक्यूलेशन तो द थिंग इज़ कि भाई हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में और बढ़ने वाला है तो अगर हम अभी खरीद कर रख लें या फ्यूचर में दो तो बेच दें तो प्रॉफिट होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई अभी हम ना ख़रीदें अभी प्राइस गिर गए अभी प्राइस जो है वो गिर गए फिर भी हमने नहीं खरीदा ये सोचते हुए कि इन फ्यूचर जो है वो प्राइस और गिरेंगे तब हम खरीद लेंगे दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट जहाँ पर प्राइस की अनसर्टेनिटी होती है या फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उम्मीद होती है ठीक है ठीके? तो इग्नोरेंस इफ़ेक्ट क्या था कि लोग आ, लोगों के माइंड में ये होता है कि भाई अगर ज़्यादा पैसों की ये ज़्यादा अमाउंट है ज़्यादा प्राइस है इस किसी चीज़ का तो उसकी क्वालिटी हाई ही होगी और स्पेक्युलेटिव इफेक्ट क्या है जब फ्यूचर में आ, चेंज होने की एक्सपेक्टेशन होती है प्राइजेस की तो लोग बढ़े हुए प्राइस पर भी चीज़ें अभी खरीदने लग जाते हैं या फिर कम हुए प्राइस पर भी चीज़ें खरीदते नहीं हैं फ्यूचर का वेट करते हैं और गिरने का वेट करते हैं देखो यहाँ लिखा है वेटिंग फॉर अनदर फॉल इन द प्राइज फ्यूचर में और गिरने का सोचते हैं तो भाई तब हम लेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास द गिफ इफेक्ट अ फॉल इन द प्राइज ऑफ इन्फीरियर गुड्स टें टू रिड्यूज़ इट्स डिमांड एंड अ राइज इन अ प्राइस टेंड टू एक्सटेंड इज डिमांड मतलब जो गिफ इन गुड्स होते हैं गिफ एंड गुड्स के होते हैं जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती ठीक है जो हाईली इन्फीरियर होते हैं इन्फीरियर का मतलब ठीक ठाक क्वालिटी और हाईली इन्फीरियर गिफ इन गुड्स हो जाते हैं जो मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते तो इनका जो लॉ ऑफ़ डिमांड होता है लॉ ऑफ़ डिमांड का जो रूल होता है कि भाई प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ेगी और प्राइस घटने पर डिमांड घटेगी ये फॉलो नहीं होता ये इसके एक्सेप्शन में पढ़ा था हमने इसके अपवाद में पढ़ा था कि जब इसका डि राइज इन प्राइस होता है तो एक्सटेंड होती है डिमांड और जब फॉल इन प्राइस होता है तो रिड्यूस होती है डिमांड इसमें सीधा संबंध होता है कि प्राइस घटेगा तो लोग सोचेंगे भाई पहले से ही बुरी क्वालिटी है तो अभी और प्राइस गिर गया इसका मतलब इसकी क्वालिटी भी गिरा दी होगी इन्होंने तो दैट इज़ कॉल्ड गिफ इफेक्ट ठीक है कॉन्सपीशियस नेसेसिटीज़ कॉन्सपीशियस नेसेसिटीज़ क्या होती हैं कि भाई ऐसी नेसेसिटीज़ की किसी भी कंडीशन में लेनी ही लेनी है अनदर एक्सेप्शन ऑकर्स इन यूज ऑफ सच कमोडिटीज एज ड्यू टू देयर कंस्टेंट यूज कॉन्स मतलब लगा हमें लगातार जो है उसे यूज़ करना ही पड़ता है देखो यहाँ पर लिखा है टेलीविजन सेट्स रेफ्रिजरेटर्स वॉशिंग मशीन्स कुकिंग गैस स्कूटर्स एक्सेट्रा तो इनके डिमांड में कोई असर नहीं पड़ता अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो ऐसा नॉर्मली देखा जाता है और लॉ में कहा जाता है अच्छा नेक्स्ट है बैग बैंड वैगन इफेक्ट इसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा भेड़ चाल भेड़ चाल जब कॉमर्स क्यों ली जब स्टार्टिंग में कोई ये क्वेश्चन पूछता होगा कि कॉमर्स क्यों ली भाई फ्रेंड भी ले रही थी या ले रहा था ठीक है साइंस क्यों ली फ्रेंड भी ले रही थी या ले रहा था भाई हम टीचिंग आस, कोर्स में क्यों गए या पड़ोसी जा रहे थे तो पापा ने बोला तुम भी कर लो तो थिंग इज जब लोग दूसरों को देखकर खुद के लिए कुछ परचेस करते हैं या खुद के लिए उनकी तरफ ही चल पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड्स में बी अफेक्टेड बाय द टेस्ट एंड प्रेफ्रेंसिस ऑफ सोशल क्लास मतलब हमारी जो सोसाइटी है हमारा जो समाज है उसको उसकी वजह से हमारे टेस्ट एंड प्रेफ्रेंसिस में जो चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट ठीक है क्लियर हो गया होगा ठीक है? आगे देखते हैं स्नोब इफेक्ट स्नोब इफेक्ट स्नोब इफेक्ट का सिंपल अगर कहा जाए तो इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं दिखावा करना मेरे पास तो डायमंड की रिंग है है ना ऐसा करके कुछ मान लेना ये रिंग है आई डोंट नो वॉट इज दिस ठीक है पीपल समटाइम्स बाय सर्टेन कमोडिटीज़ लाइक डायमंड एट वेरी हाई प्राइस नॉट ड्यू टू देयर इंटरेस्टिंग वर्थ उनकी इस रिंग की वर्थ की वजह से नहीं खरीदेंगे वो बट फॉर अ डिफरेंट रीज़न द बेसिक ऑब्जेक्ट इज़ टू डिस्प्ले देयर रिचेज टू द अदर मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी टू वैन दे दैम सेल्फ बिलोंग दिस इज़ नोन एट स्नोब अपील मतलब कि भाई जब अपनी सोसाइटी को हम ये दिखाना चाहते हैं वी आर वेरी रिच सी आई हैव डायमंड रिंग आई हैव स्मार्ट टी वी वी हैव लग्जरियस कार्स हम हमें इसलिए नहीं ख़रीदते क्योंकि हमें शौक है या इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उस कार की हमें ज़रूरत थी वी जस्ट बाय टू शो ऑफ दैट इज़ कॉल्ड स्नोब इफ़ेक्ट तो हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी इग्नोरेंस इग्नोरेंस में क्या था कि भाई अगर हम प्राइस ज़्यादा है तो हम सोचते हैं कि क्वालिटी भी अच्छी होगी इसलिए हम खरीदते हैं इस्पेकुलेटिव इफेक्ट जब नियर फ्यूचर में चेंज होने के चांसेस होते हैं तब जो चीज़ें होती हैं गिफ इफ़ेक्ट जब हम सोचते हैं कि इन्फीरियर गुड्स जो है वो और पैसे कम हो गए उसके प्राइस कम हो गया तो वो और क्वालिटी गिर गई होगी कॉन्स्टिपियस नेसेसिटीज क्या था कि भाई जिनका एक कंटिन्यूस यूज होता ही रहता है तो इसलिए प्राइस का कुछ ज़्यादा चेंज उन पर होता नहीं है बैंड वैगन इफ़ेक्ट क्या था कि भाई लोग दूसरों को देखकर चीज़ें खरीदते हैं या दूसरों के दिखावे दूसरों को देखते देखते उनका टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो जाता है स्नोव इफ़ेक्ट क्या था जब दिखावे के लिए चीज़ ख़रीदी जाती है होप ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे एंड वन मोर थिंग ये सारे टर्म्स जो हैं वो एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब इन सब केसेस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ेगी तो ये चीज़ जो है इन सारे टर्म्स में फॉलो नहीं होती है सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे कल डिमांड के चैप्टर का लास्ट सेशन होगा जिसमें हम ये सारे एम करने वाले हैं ओके सो डोंट मिस इट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर की सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन यू नो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू क्लिक ऑन लाइक यू हैव टू सब्सक्राइब एंड यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन ओके ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सो टेक केयर गाइज गुड नाइट बी हेल्दी बी सेफ